हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर लैंड। तो आ गए हम एक बार फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो आज की हमारी इस मूवी का नाम है 12 आवर शिफ्ट, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे ब्रीग्रैंट ने डायरेक्ट किया है और इसके IMDb रेटिंग है 5.3 out of 10 stars। ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई थी और ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे आप सभी लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। तो अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा हमारे वीडियो की ओर। मूवी के शुरू होते ही हम मेंडी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रही थी और ये औरत एक हॉस्पिटल में नर्स थी और मेंडी की शिफ्ट स्टार्ट ही होने वाली थी। वो जैसे ही हॉस्पिटल पर पहुंचती है, उसे होटल के रिसेप्शन पर केंट नाम का एक व्यक्ति रिसेप्शनिस्ट कार्ला से हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए बहस कर रहा था, जबकि वो तो बिल्कुल ही ठीक होता है। कार्ला केंट को हॉस्पिटल में रूम नहीं देती और फिर उसे वहाँ से भगा देती है। फिर कार्ला मेंडी को सोडा मशीन के पास जाने को कहती है, लेकिन मेंडी वहाँ जाने से पहले ड्रग लेती है क्योंकि मेंडी एक ड्रग एडिक्ट थी। फिर हम रेजिना नाम की एक अजीब लड़की को देखते हैं जो कि मेंडी की कज़िन थी। वो मेंडी के हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर मेंडी रेजिना को एक पॉलीथीन बैग में कुछ पकड़ा देती है और इस प्लास्टिक बैग के अंदर ह्यूमन ऑर्गन्स थे, जैसे कि किडनी और भी कई ज़रूरी चीज़ें, जिसके बदले में मेंडी रेजिना से पैसे लेती है। फिर रेजिना एक कूलिंग बॉक्स के अंदर सोडा की बोतल रखती है और किडनी वाले प्लास्टिक बैग को वहीं ज़मीन पर भूल जाती है और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेंडी अपने काम पर लौट जाती है और वो पेशेंट के पास से कुछ दवाइयाँ चुरा लेती है जिससे कि वो नशा किया करती थी। उस हॉस्पिटल में एक कैदी को भी एडमिट किया जाता है जिसने अपने आप को मारने की कोशिश की थी और उसके साथ कई सारे पुलिस वाले भी आए थे। हॉस्पिटल में जेनेट नाम की एक सीनियर नर्स भी थी। वो मेंडी को एक 67 साल के बूढ़े आदमी का डायलिसिस करने का काम देती है और मेंडी भी उस बूढ़े आदमी की डायलिसिस के लिए चली जाती है। मेंडी उस बूढ़े आदमी की डायलिसिस कर ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उस हॉस्पिटल में एक और गंभीर पेशेंट आया होता है जो कि एक ड्रग एडिक्ट था और वो लगभग मरने ही वाला था, जिसे देखकर मेंडी भी परेशान हो जाती है। मेंडी हॉस्पिटल में अपने सारे काम निपटाने के बाद में रेजिना से लिए हुए पैसे को कार्ला को दे देती है और फिर वो दोनों ये डिस्कस करते हैं कि अब किस पेशेंट की बारी है, यानी कि अब किस पेशेंट के पास से वो ऑर्गन्स निकालने वाले थे और उसे किसी और को बेचने वाले थे। असल में कार्ला और मेंडी इस हॉस्पिटल से निकोलस नाम के एक ह्यूमन ऑर्गन के डीलर को इलीगल तरीके से ह्यूमन ऑर्गन्स बेचा करते थे जिसे रेजिना ट्रांसपोर्ट करती थी। कार्ला ये इलीगल काम सब पैसों के लिए करती थी और मेंडी एक ड्रग एडिक्ट थी, वो ड्रग की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऐसा करती थी। फिर जब रेजिना ह्यूमन ऑर्गन के डीलर निकोलस के पास में उस कूलिंग बैग को लेकर पहुँचती है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता क्योंकि रेजिना उस ऑर्गन वाले बैग को वहीं सोडा मशीन के पास में ही भूलकर आ चुकी थी। निकोलस को अपने क्लाइंट को आज रात को ही वो किडनी डिलीवर करना थी जिसे रेजिना वहीं पर भूल के आ चुकी थी। निकोलस रेजिना से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो रेजिना को ये धमकी देता है कि उसे आज रात को ही वो किडनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उस किडनी के बदले में रेजिना की किडनी निकाल लेगा। फिर अगेन मेंडी कार्ला से ये बात करती है कि अब वो किस पेशेंट के ऑर्गन निकालें, जिसके बाद मेंडी उस कैदी के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कि कैदी के पास में एक गार्ड मौजूद है और उस गार्ड को ये ऑर्डर्स मिले हैं कि वो उस कैदी को छोड़कर एक मिनट भी कहीं नहीं जाए। मेंडी के दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे ही वो गार्ड कहीं पर जाएगा वो उस कैदी के पास से चुपके से ऑर्गन निकाल लेगी, लेकिन वो गार्ड कहीं पर नहीं जाने वाला था और मेंडी उस गार्ड को कॉफ़ी लाने का कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर उस लड़के के पास आती है जो कि ड्रग के ओवरडोज से लगभग मरने वाला था। मेंडी उस लड़के को देख ही रही होती है कि तभी रेजिना मेंडी के पास पूछती है और उसे बताती है कि उससे किडनी वाला बैग कहीं पर गुम हो चुका है और उसके जिम्मेदार मेंडी है। रेजिना मेंडी को ये बताती है कि अगर उसने निकोलस को वापस से किडनी लाकर नहीं दी तो वो उसकी किडनी निकाल लेगा और उसे भी मार डालेगा, जिसे सुनकर मेंडी रेजिना को ये बताती है कि वो उसे ऑलरेडी ही किडनी वाला बैग दे चुकी है। लेकिन रेजिना मेंडी को ये धमकी देती है कि वो लोगों को मारकर उनकी किडनी निकालती है, जिसके जवाब में मेंडी ये कहती है कि उसका काम बस लोगों के ऑर्गन निकालना है, ना कि किसी की जान लेना। रेजिना को ये पता था कि निकोलस एक बहुत बड़ा डॉन है और अगर वो किडनी लेकर वापस नहीं गई तो वो उसे मार डालेगा और वो इस हॉस्पिटल से किडनी लिए बिना नहीं जाने वाली थी।
वो मैंडी से कहती है कि उसका भाई एंड्रयू मरने ही वाला है और वो उसकी किडनी निकाल सकते हैं, जिससे मैंडी को गुस्सा आ जाता है और वो रेजिना को वहाँ से जाने को कहती है। दरअसल मैंडी और एंड्रयू दोनों ही ड्रग एडिक्ट थे और वो एंड्रयू को इसीलिए आइडेंटिफाई नहीं करती क्योंकि वो हॉस्पिटल में अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी। हम ये देखते हैं कि रेजिना चुपके से हॉस्पिटल में आ जाती है और नर्स की ड्रेस पहनकर पेशेंट्स को चेक करने के लिए चली जाती है। और इधर मैंडी मॉर्फिन की शीशियाँ चुरा कर कॉफ़ी के अंदर मॉर्फिन को मिला देती है, जिसके बाद मैंडी इस मॉर्फिन मिली हुई कॉफ़ी को उस कैदी के सिक्योरिटी गार्ड को दे देती है और वो भी इसे पी लेता है। मैंडी ये चाहती थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड मॉर्फिन के नशे से बेहोश हो जाए और इसका फ़ायदा उठाकर वो उस कैदी के ऑर्गन्स को निकाल ले। रेजिना पेशेंट्स को चेक करते करते मिस्टर कॉलिंस के पास पहुँचती है और मिस्टर कॉलिंस वही व्यक्ति था जिनका डायलिसिस चल रहा था। रेजिना को वहाँ पर ब्लीच की बोतल दिखाई देती है और वो मिस्टर कॉलिंस को वो ब्लीच पिलाकर मार डालती है। जब बाकी नर्स को इस बात की खबर लगती है तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, जिससे कि मैंडी और कार्ला टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अगर हॉस्पिटल में पुलिस आई तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगी और उससे हो सकता है कि मैंडी और कार्ला की करतूतों का खुलासा हो जाए। किसी को ये नहीं पता होता कि ये मर्डर किसने किया है और सभी को ये लगता है कि कोई बदमाश मर्डरर वहाँ पर हॉस्पिटल में घूम रहा है। तभी मैंडी ये देखती है कि रेजिना हॉस्पिटल के स्टोर में खड़ी है और वो ये समझ जाती है कि रेजिना ने ही मिस्टर कॉलिंस को मारा है। रेजिना मैंडी से मिस्टर कॉलिंस की किडनी मांगती है, लेकिन मैंडी रेजिना को बेवकूफ़ कहकर उसे बताती है कि मिस्टर कॉलिंस तो डायलिसिस पर थे क्योंकि उनकी किडनी ऑलरेडी काम नहीं कर रही थी और रेजिना ने अपनी बेवकूफ़ी के चलते एक मासूम व्यक्ति को मार डाला। रेजिना को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता और वो बिना किडनी लिए हुए इस हॉस्पिटल से नहीं जाने वाली थी। मैंडी रेजिना को ये धमकाती है कि जल्दी ही यहाँ पर पुलिस आ जाएगी और वो उसे ये सब बता देगी कि रेजिना ने मिस्टर कॉलिंस को मारा है। रेजिना उल्टा मैंडी को ये धमकाती है, वो मैंडी से ये कहती है कि वो पुलिस को ये बता देगी कि मैंडी यहाँ पर ड्रग्स लेती है और पेशेंट्स के ऑर्गन्स को इलीगल तरीके से बेचती है। मैंडी रेजिना की बातें सुनकर डर जाती है और वो उसके हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वो रेजिना से ये कहती है कि उसे कुछ समय के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में रुकना होगा और तब तक वो किसी पेशेंट से किडनी अरेंज कर लेगी। फिर हम देखते हैं कि मैंडी हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स को चेक करती है जिनकी कोई फैमिली नहीं थी और आखिरकार उसे आईसीयू में एक पेशेंट मिल ही जाता है। मैंडी उस पेशेंट को दवाई का ओवरडोज देकर उसे मार डालती है और हम देखते हैं कि जल्दी ही पुलिस भी हॉस्पिटल में आ जाती है, जो कि मैंडी और बाकी नर्स से पूछताछ करती है। मैंडी उस पुलिस वाले के सवालों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है और उससे बच जाती। कुछ समय के बाद में कार्ला मैंडी को ये बताती है कि आईसीयू वाला वो व्यक्ति मर चुका है जिसे उसने इंजेक्शन दिया था और वो पेशेंट नीचे मॉर्ग में है, जिसका ट्रांसप्लांट मैंडी जाकर कर सकती है। जिसके बाद मैंडी मॉर्ग में जाकर वहाँ का दरवाजा लगा लेती है और स्ट्रेचर पर पड़े उस पेशेंट को पलटने की कोशिश करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी था। वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी और उसे पलटने के चक्कर में वो पेशेंट नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। अकेली होने के कारण मैंडी जमीन पर ही उस मरे हुए पेशेंट की किडनी को निकालकर एक प्लास्टिक बैग में डाल लेती है और तभी वहां पर अचानक वो पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसे बस ये लगता है कि ये एक नॉर्मल पेशेंट है जो कि मर चुका है। वो पुलिस ऑफिसर उस डेड बॉडी को उठाने में मैंडी की मदद करता है और किडनी वाले बैग को भी उठाकर देखता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर ये समझ नहीं पाता कि मैंडी वहाँ पर उस आदमी की किडनी निकाल रही थी और वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मैंडी भी अपने खून से सने हुए कपड़े को बदल लेती है। यहाँ पर रेजिना के पीछे निकोलस का आदमी माइक पड़ जाता है, जो कि रेजिना को किडनी के बदले लेने आया था। रेजिना हॉस्पिटल के बाहर एक पास से गुजर रहे लड़के को देख लेती है और उसे फंसाकर उसके साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद वो उसे चाकू से मार डालती है और उसके पेट में एक बड़ा सा छेद कर उसके ऑर्गन्स को निकाल लेती है। हम देखते हैं कि मैंडी मॉर्ग से निकाली हुई किडनी को फिर से कूलिंग बॉक्स में सोडा मशीन के पास में रख देती है और रेजिना का इंतज़ार करती है। और तभी मैंडी को ये पता चलता है कि हॉस्पिटल के बाहर किसी का मर्डर हुआ है, जिसे देखकर मैंडी ये समझ जाती है कि रेजिना ने ही ये काम किया है। मैंडी कार्ला से मदद मांगती है और रेजिना के बारे में बताती है। तभी पीछे से कैंट आता है, जिसके हाथ में एक अजीब सा बैग था। कार्ला और मैंडी दोनों कैंट को इग्नोर कर देते हैं और उसे फिर से हॉस्पिटल से भगा देते हैं।
अब रेजिना उस लड़के को मार चुकी थी और उस पेट से निकाले हुए ऑर्गन को लेकर अपने कपड़े बदलती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ला और मैंडी रेजिना को हॉस्पिटल से भागने से पहले ही पकड़ लेते हैं। वो ये देखते हैं कि रेजिना के पास में किडनी को कैरी करने के लिए कोई भी बैग नहीं था, इसीलिए रेजिना ने उस किडनी को अपने अंडरगारमेंट में कैरी किया हुआ था। कार्ला और मैंडी रेजिना को ये बताते हैं कि उसने जो उस लड़के को मारकर किडनी समझकर निकाला है, दरअसल में वो किडनी नहीं बल्कि उस लड़के का ब्लैडर है, क्योंकि उसने उसे पेट की तरफ से निकाला है। तभी वहाँ हॉस्पिटल में लॉकडाउन कर दिया जाता है ताकि पुलिस मर्डरर को पकड़ सके। फिर मैंडी रेजिना से कहती है कि उसने वापस से उसी सोडा मशीन के पास कूलिंग बैग में नई किडनी रखी है, जिससे वो चुपचाप जाकर यहाँ से उठाए और चली जाए। हम ये देखते हैं कि पुलिस पूरे हॉस्पिटल को लॉक कर चुकी थी और रेजिना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स उसे पहचान जाती है कि रेजिना कोई असली नर्स नहीं बल्कि बाहर से आई हुई कोई लड़की है। उस नर्स के ऊपर रेजिना एक रॉड से मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। रेजिना सोडा मशीन के पास में किडनी उठाने जाती है, लेकिन फिर उस कूलिंग बॉक्स में कुछ नहीं होता और वहाँ पर निकोलस का आदमी उसे पकड़ लेता है। हॉस्पिटल के अंदर वो कैदी उसके गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस को भी घायल कर देता है। अब रेजिना और माइक, जो कि निकोलस का ही आदमी था, वो मैंडी के भाई एंड्रयू के किडनी को निकालने के लिए हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन मैंडी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और ये जानकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि रेजिना ने फिर से नई वाली किडनी घुमा दी। रेजिना और माइक मैंडी को धमकाकर एंड्रयू को वहाँ से ले जा रहे थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अब एंड्रयू की किडनी को लेकर वो निकोलस के पास जाए। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है, जिससे माइक गोली से शूट कर देता है और वो मैंडी को एंड्रयू का ट्रांसप्लांट करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन मैंडी माइक की आंखों में इंजेक्शन घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। और जब वो वहाँ से भाग रही होती है तो वो सामने उस कैदी को खड़ा हुआ देखती है, जो कि जेनेट का गला चाकू से काट देता है और मैंडी उसे फर्स्ट एड करती है, जिसके बाद मैंडी और रेजिना माइक से बचकर सोडा मशीन के पीछे छुपते हैं और उस मशीन को माइक के आने पर उसी पर गिरा देते हैं, जिससे कि उसकी भी मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही सुबह हो जाती है। मैंडी रेजिना को बिना किडनी कहीं हॉस्पिटल से बाहर घर जाने के लिए कहती है और उसके भाई एंड्रयू को बचा लेती है। अब हॉस्पिटल में लगभग सभी लोग मर चुके थे जिन्हें मैंडी और रेजिना के बारे में सब कुछ पता था। बस जेनेट जिंदा थी, जिसका भी गला उस कैदी ने काट दिया था और वो कुछ दिन तक बोल नहीं सकती थी। फिर तभी वहाँ पर केंट आता है, जिसके दोनों हाथों में प्लास्टिक होते हैं और उन बैग्स में होती है तो किडनियाँ। केंट को पुलिस पकड़ लेती है, जिसे देखकर मैंडी चुपचाप हॉस्पिटल से निकल जाती है और अपनी कार में जाकर सो जाती है। फिर जब मैंडी की नींद खुलती है तो वो वापस ड्यूटी करने अपने हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और ऑर्गन माफिया निकोलस भी मैंडी के पीछे पीछे हॉस्पिटल में घुस जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी एक नर्स की थी जो कि ड्रग एडिक्ट थी और अपने पार्टनर के साथ में मिलकर हॉस्पिटल से इलीगल तरीके से मरे हुए लोगों के उन पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेचा करते थे, जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत है। और ये पेशेंट ऐसे पेशेंट होते थे जिनकी कोई फैमिली नहीं हुआ करती। रेजिना मैंडी की कज़िन थी और निकोलस के लिए ऑर्गन मैंडी से लाकर उसे दिया करती थी, लेकिन एक रात को रेजिना किडनी से भरे हुए उस प्लास्टिक बैग को घुमा देती है और निकोलस के धमकाने पर वो वापस हॉस्पिटल में आती है किडनी को लेने के लिए। लेकिन रेजिना हॉस्पिटल में दूसरी किडनी को भी घुमा देती है और अपनी बेवकूफ़ी के कारण दो लोगों को मार डालती है, लेकिन फिर भी उसे किडनी नहीं मिलती। और आखिर में रेजिना मैंडी के भाई, जो कि उसका भी कज़िन होता है, उसके ऑर्गन को निकालने पहुँचती है, लेकिन मैंडी रेजिना को ऐसा नहीं करने देती। रेजिना मैंडी की रिश्ते में कज़िन लगती थी और इसीलिए वो उसे पुलिस के हवाले नहीं करती और हॉस्पिटल से भगा देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो किस मूवी के ऊपर होना चाहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोज़ जल्दी ही आने वाले हैं। और तब तक के लिए गुड बाय।